नमस्कार मित्रों, ज्योतिष शिक्षा के इस भाग में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और वंदन है। अवश्य ही आपको विवाह संबंधी प्रकरण जो चल रहा है, वैसे ये तो बहुत अथाह सागर है, इसको जितना सूक्ष्म हो सकता है हम बताने का प्रयास आपको कर रहे हैं, लेकिन प्रत्येक क्रम को स्पष्ट रूप से करने पर बहुत विस्तार होता है, इसलिए जो सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ें हैं वो आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी इसके अलावा भी आपको किसी विषय पर जानने की जिज्ञासा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हमने आपको भद्रा के विषय में भी बता दिया है और आपको नक्षत्रों के विषय में भी बता दिया है, आगे इसमें क्या बताना है ये आपको हम जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि इस जीवन में जब हम कार्यों को अपने करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वास्तविकता में अपने लक्ष्य को हमको और गौर से देखना चाहिए कि हमारा परम लक्ष्य क्या है। कहते हैं कि बड़े बड़े मोद मिले और परम प्रमोद मिले और सुखद से आमोद मिले जीवन की बाटी में, राग और रंग मिले बेदन के अंग मिले और साधुन के संग मिले घनी घनी घाटी में, और भले भले लोग मिले भामिनी के भोग मिले शोभित और ये पर्यक मिले मणिजटित पाटी में, ऊंचे धवल धाम मिले और दान मिले ग्राम मिले पर राम ना मिले तो सब काम मिलो माटी में। इसलिए संसारिक कार्यों को देखते हुए हमको ये ध्यान में रखना है कि यदि राम ना मिले तो सब काम मिलो माटी में। आज आपको ये बताते हैं इस विवाह प्रकरण में सबसे पहले आयु के विषय में देख लेते हैं कि जो शास्त्र ने हमारे वर कन्या की आयु निश्चित की है उस पर तो आज के समय में विवाह करना बड़ा कठिन है। द्वादशाब्दे परे कन्या खोल साब्दे परे बरऊ, 12 वर्ष तक ही कन्यादान के योग्य कन्या रहती है और जब वह पुष्पित हो जाती है तो फिर वह कन्या नहीं, वो रजस्वला हो जाती है। शास्त्र में कन्यादान का ही सब वर्णन है, रजस्वला दान का कोई विधान नहीं है, तो इस पर भी आप अपना ध्यान रखेंगे। दूसरा, दोनों की आयु में क्या है, अष्ट वर्षा भवेद गौरी और 10 वर्षा च रोहिणी। गौरी और रोहिणी के दान की व्यवस्था कन्यादान में दी गई है, पर आज समय और परिस्थितियों को देखते हुए हम उल्लंघित आयु में विवाह करते हैं, इसलिए जब विषम वर्षों में आयु हो जाए, 19 वर्ष का लड़का हो, 17 वर्ष की कन्या हो, यदि 17 वर्ष 19 वर्ष की कन्या हो तो 21 वर्ष का बालक हो, और यदि 21 वर्ष का की कन्या हो तो 23 वर्ष का बालक हो। ऐसे क्रम में हम देख सकते हैं कन्या की आयु वर की आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र में इस बात की आज्ञा नहीं दी गई है विवाह में तो। और विषम वर्षों को देख लेना चाहिए। वर्षों की गणना के क्रम में एक बात याद आ रही है, ज्येष्ठ मास यदि माँ के गर्भ से प्रथम कन्या ही जन्म हुई है और बालक का भी जन्म प्रथम हुआ है, अर्थात दोनों ज्येष्ठ हैं, और ज्येष्ठ के महीना भी आ जाए तो फिर 3 जेठ वर्जित कहे गए हैं, इसलिए 3 ज्येष्ठ माह विवाह में नहीं होने चाहिए। इस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, उनको फिर आषाढ़ मास में या आज यदि या अगहन मास में या वैशाख मास में ऐसा ग्रहण करना चाहिए। दूसरा क्या है, द्विद्यादश योग। कन्या की राशि से या यदि आप प्रचलित नाम से विवाह देख रहे हैं तो मीन राशि की कन्या है तो फिर मेख राशि का वर नहीं होना चाहिए। द्विद्वादश योग विवाह में बहुत बाधक है, ये हमारे ऋषियों ने
प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकल करके देखा है, कुछ द्वादश योगों में जिनमें आपस में ग्रहों की मित्रता हो वो कम बाधक है। बाधक तो सभी हैं लेकिन जिनमें आपस में मैत्री है वो कम बाधक है। इसलिए द्वादश योग का मतलब यही है कि यदि कुंभ राशि की लड़की है और मीन राशि का लड़का है, दोनों में द्वादश योग बन गया, तो इसको राशि के अनुसार आप ज़रूर देखेंगे और प्रयास करेंगे कि द्वादश योग ना हो। पहले तो जन्म नक्षत्र की राशि से ना हो, यदि जन्म नक्षत्र का अभाव है तो प्रचलित नाम से विवाह देख रहे हैं तो ये दोष नहीं होना चाहिए। इस पर भी आपको बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए क्योंकि द्वादश योग काफ़ी लोगों के जीवन में जो अनुभव में आया है वो बाधा युक्त आया है। तीसरा, लग्न बल क्या है। लग्न बल विवाह में जो देखा जाता है, विशेष रूप से गुरु को ही लग्न बल में आज्ञा दी गई है। गुरु यदि, वैसे तो सप्तम रिक्त हो लेकिन यदि गुरु हैं, केंद्र में हैं, त्रिकोण में हैं, तो निश्चित रूप से वह विवाह लग्न के सारे दोषों का शमन करते हैं। बुध और चंद्रमा यदि यह शुभ युक्त हैं तो ये भी शुभ ग्रह कहे जाएंगे। यदि बुध पाप ग्रह के साथ चले जाएं तो वह पाप युक्त हो जाते हैं, और चंद्रमा यदि अष्टमी से, शुक्ल पक्ष से और कृष्ण पक्ष तक की अष्टमी के बीच में हैं तो वह शुभ माने जाएंगे। इसके अलावा भी चंद्रमा भी पाप ग्रह की श्रेणी में आ जाते हैं, इसलिए चंद्रमा के भी दुष्प्रभाव से बचना चाहिए। तीसरा क्या है कि विवाह करने के जो उपयुक्त नक्षत्रों के विषय में आपको हमने पीछे भी इसके विषय में एक वीडियो दिया है, आपको बताया है, तो विवाह नक्षत्रों के क्रम में काफ़ी व्यतिक्रम देखने को मिलता है। फिर भी हमने प्रयास किया है कि मूल, रेवती, हस्त और मघा ये स्थिर संज्ञक नक्षत्र हैं। तीनों उत्तरा और रोहिणी, मृगशिरा, स्वाति, अनुराधा ये जो नक्षत्र 11 हो गए ये विवाह संस्कार के लिए उत्तम श्रेष्ठ कहे गए हैं। विवाह कर्म के उक्त नक्षत्रों में जो नक्षत्र समीप काल में किसी पाप ग्रह से युक्त होकर के यदि चंद्र से भुक्त ना हुआ तो उस नक्षत्र के लिए, जिस नक्षत्र पर पाप ग्रह का योग नहीं हुआ किंतु उसी काल में उसी उसका पाप ग्रह से यदि स्थित होने वाला संपर्क हो जाए तो जिस विवाह में नक्षत्र पर किसी ग्रह का भेद होगा ऐसे नक्षत्र के दिन में विवाह संस्कार नहीं करना चाहिए। माना कि सूर्योदय के समय नौ नक्षत्र किस नक्षत्र में है इसका सम्यक ज्ञान आपको हम बताते हैं। ग्रह वेद कैसे देखना है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र ग्रह का मृगशिरा नक्षत्र से, मृगशिरा नक्षत्र का उत्तराषाढ़ से, इसी प्रकार भरणी का अनुराधा से, रोहिणी का अभिजित से, मघा का श्रवण से, रेवती का उत्तरा फाल्गुनी से, पुनर्वस नक्षत्र का मूल, सत्विका नक्षत्र का स्वाति से और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का हस्त नक्षत्र से परस्पर भेद होता है। तो अब कभी कभी क्या होता है कि सूर्योदय के समय कुछ दूसरा नक्षत्र होता है। पारस्कर ग्रह सूत्र के अनुसार अश्वनी, चित्रा, श्रवण और धनिष्ठा भी ये विवाह के नक्षत्रों की श्रेणी में पारस्कर ग्रह सूत्र में दिए गए हैं, अन्य हमारे इसमें प्रचलित नहीं हैं। वेद रहित होने पर, पाप ग्रह भोग रहित होने पर ये 15 नक्षत्र भी वैवाहिक नक्षत्रों में जुड़ जाए तो उनको ग्रहण किया जा सकता है। इस तरह से इन नक्षत्रों के जो वेद हैं इसको आपको देख लेना है। इसीलिए जो ही आप अपने पंचांग में देखेंगे लग्न संशोधन में वेद दिया जाता है। इसी तरह से ये जो हमने द्वादश योग का दोष बताया है, यदि कोई विवाह गुणों के आधार में अच्छा बनता हो लेकिन द्वादश योग आ गया हो तो कन्या और वर के द्वारा
ताम्रपत्र में ताम्र यदि यदि वह दोष सूर्य और शनि से बन रहा है तो ताम्र का लोहे का, यदि मंगल और गुरु से बन रहा है तो ताम्र और सोने का, इन धातुओं का दान करने से वह द्वादश योग की शांति हो जाती है। इसी तरह से नाड़ी दोष में भी आपने देखा होगा, नाड़ी दोष के वैसे तो बहुत कम परिहार हैं, लेकिन यदि 28 से ज़्यादा गुण बनते हैं, नाड़ी दोष आ रहा है, 28 तक भी गुण बन जाते हैं, नाड़ी दोष आ रहा है, तो वह दोष उसमें लागू नहीं होता है। फिर भी यदि नाड़ी दोष के कारण विवाह में कोई बाधा आ रही है और लड़की और लड़के की आयु पूर्ण हो गई है, सूर्य चंद्र और बृहस्पति अनुकूल हैं, विवाह पूरी तरह से शुद्ध बन रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप मृत्युंजय मंत्र का 1/4 जप करके और इस विवाह को यदि करेंगे तो निश्चित रूप से यह नाड़ी जनित दोष दूर होता है। इतना भी न हो पाने की स्थिति में सुवर्ण दान आचार्य को करके कन्यादान कर दिया जाए तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है, पर विवाह लग्न में होना चाहिए, शर्त ये है, और जो अन्य ग्रहों की मैत्री स्थिति है वो अच्छी बननी चाहिए, तो नाड़ी दोष का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि धर्मेण हन्यते व्याधि और धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, ये तो धर्मस्ततो जयः। धर्म पूर्वक कोई कार्य करने से साधु ब्राह्मण गुरु माता पिता की आज्ञा लेकर के कार्य करने से यदि कोई दोष भी है तो वो समन हो जाता है। जिन वारों में क्षौर कर्म कराने के लिए वर्जित किया गया है, यदि ब्राह्मण की आज्ञा लेकर के क्षौर कर्म करवाया जाए तो वह क्षौर कर्म दोष जनित नहीं होता है। वर्जित यात्रा दिनों में भी जाना यदि आवश्यक है और ब्राह्मण की आज्ञा लेकर के, अपने पुरोहित की आज्ञा लेकर के यदि आप यात्रा आरंभ कर लेते हैं तो यात्रा जनित दोष का परिहार हो जाता है। जैसे सोमवार को पूर्व दिशा की यात्रा का सर्वथा निषेध है, दिक्षूल रहता है सोमवार को, तो आप सोमवार को यात्रा करना चाहते हैं तो अपने आचार्य जी से कि हमारे लिए यात्रा आवश्यक है, आप आज्ञा दे दें तो हम यात्रा कर लें। यदि वो आज्ञा दे देते हैं तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मवाक के जनार्दन, जैसे आजकल लोग विवाह उसमें जा करके गूगल में जा करके और सॉफ्टवेयर में देख करके विचार करके अपने घर में ही निश्चित कर लेते हैं कि इसमें इतने गुण बन गए, ये विवाह बनता है, विवाह कर लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है और इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में ये कहा गया है कि ब्रह्मवाक के जनार्दन है, भगवान ने गीता में कहा है कि जो ब्राह्मण ने वाणी दी है हम उसको पूरा करने का वचन देते हैं। इसलिए आप भले देख लीजिए सॉफ्टवेयर में, लेकिन किसी ब्राह्मण से के मुख से वाणी लेकर के और विवाह कार्य संपन्न करें, उनके वाणी देने से भी बहुत प्रकार के दोषों का समन हो जाता है। यह एक रहस्य की बात है, ये किसी शास्त्र में आपको लिखी ना मिलेगी, लेकिन यह गुरुजनों की दी हुई विद्या है कि भगवान कहते हैं कि हम अपनी जो वाणी है, हम अपनी वाणी या मैं स्वयं जाके कहीं कुछ नहीं करता हूँ। जब भगवान श्री राम को आना था, आकाशवाणी हुई तो उन्होंने ये कहा कि नारद वचन सत्य सब करी हों। नारद जी ने जो जहाँ जहाँ जा कर के कह दिया उस वाणी को हम पूरा सत्य करेंगे, और इसी तरह से उस कार्य को उन्होंने पूरा किया। भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मण कहीं वाणी दे देते हैं, ब्रह्मवाक्य जनार्दन है, ब्राह्मणों की वाणी से मैं स्वयं बोलता हूँ, इसलिए शास्त्र आज्ञा है कि आप विवाह आदि के विचार में उनकी आज्ञा लेकर के ही इन मांगलिक कार्यों को संपन्न करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।